What's going on guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to the video. And guys, आज हम लोग खेल रहे हैं Roblox के अंदर एक नया गेम मोड. और guys, इस गेम मोड में आने वाला है बहुत ही ज्यादा मजा, क्योंकि हम लोग बनने वाले हैं the little ones. और guys, आप लोग देख सकते हो यार, little ones यहाँ पे जो है लोड हो रही है और अभी 2 सेकंड में लोड होने वाली है. एंड here we go. Okay, तो guys, एक कहानी शुरू होने वाली है, तो फटाफट से सीट बेल्ट बांध दो और लेट्स गो. ओके, तो guys, आप लोग देख सकते हो अपन लोग एक अंधेरी रात में यहाँ पर जमीन पे सोए हुए हैं और अचानक से दरवाजा खुला और ये क्या, एक छोटू आदमी आया. हेलो सर, कैसे हो? छोटू भाई, मेरे को लगता है ये छोटू आदमी ले जाएगा भाई आपको. अरे अरे अरे, सही में ले जा रहा, व्हाट द हेल. अबे भाई मजाक था, क्या कर रहा है? सही है, ले गया. चौप के बच्चे क्या बोल रहे तू? छोटू भाई, मेरी गलती नहीं, अब आपको वो ले गया तो मैं क्या करूं भाई, मैं तो सेफ हूं, मेरे को अपने से मतलब था. छोटू भाई आई एम सॉरी, लेकिन आपको नहीं बचा पाऊंगा भाई. अबे यार ये क्या घोचू है. योर फ्रेंड वाज आउट सिक टुडे. अच्छा भाई, मतलब अब दिखा रहा है गाइस, चौप हमारा जो एकमात्र दोस्त था, ये बेचारा खुशियां मनाना चाहता था हमारे साथ, लेकिन इसका एक ही दोस्त था वो भी किडनैप हो गया, तो ये एक सीक्रेट स्पॉट पे चला गया. भाई कहाँ आ गया ये? ऑल राइट, तो ये कोई लगता है चौप का बच्चा भाई सीक्रेट फैसिलिटी में जा रहा है मस्ती करने. आई डोंट नो कौन किस टाइप के बच्चे होते हैं भाई जो फ्री टाइम में सीक्रेट फैसिलिटी में जाते हैं. बट ओके, तो हम लोग यहाँ पर बन चुके हैं, ये छोटे छोटे पता नहीं इंसान बन चुके हैं. जिस एक इंसान मेरे को पकड़ के ले गया तो उसके जैसे ही बन गए गाइज, और उसने हमारे क्लोन्स बना दिए हैं. तो हम लोग यहाँ पर यार हंट करने वाले अपने टारगेट्स को. एंड ओह शिट, चौप का बच्चा निकला, पकड़ो पकड़ो उसको, जल्दी पकड़ो. छोटू भाई मेरे को छोड़ दो भाई, मेरे को एस्केप करना इस फैसिलिटी से, मम्मी बचा लो. अरे दोस्त, मैं जब किडनैप हुआ तो तुम मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? दोस्त मैं तुम्हारा इतना इंतजार कर रहा था, इतनी अंधेरी रातों में मेरे ऊपर कितना एक्सपेरिमेंट किया गया. तुम्हें पता है मैं कितना चिल्लाया, मैं तुम्हें हर बार पुकारा, लेकिन तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी. चौप, तुम बस अपना मस्त चिकन लेग पीस चबाते रहे और भूल गए हम लोगों को और जिंदगी में आगे बढ़ गए. भाई देखो ऐसा नहीं है भाई, मैं आपको याद करता हूँ, इसीलिए तो यहाँ पे आया भाई आपको ढूंढने के लिए, लेकिन अब मेरे को जिंदा आने दो भाई. आप तो यार बियॉन्ड सेविंग हो, लेकिन मेरे को तो बता सकते हो भाई. चल बे उल्लू बनाना बंद कर, मैं जानता हूँ भाई कि तू यहाँ गलती से आया है, और अगर तेरे को पता होता कि अपन लोग एक मॉन्स्टर बन चुके और यहाँ पर छुपे तो तू कभी नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग तेरे को छोड़ देंगे. और अब टाइम है तेरा यहाँ से जाने का. अरे 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 अरे, उधर छुप रहा है तेरी तो. फोस्टू भाई प्लीज जाने दो, यहाँ से मत करो मेरे साथ. फोस्टू भाई मेरे को कच्चा तो जाओगे क्या भाई? यहाँ पर गाइस इसको एक कार्ड मिल चुका है, और इस कार्ड का इस्तेमाल करके ये कहीं ना कहीं उस कार्ड को यूज करेगा और हम लोगों से बचने की कोशिश करेगा. लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे. अबे तेरी तो, रुक तो, इधर से पकड़ूंगा. लेफ्ट राइट खेलेगा मेरे साथ? हाँ, तेरे को क्या लगता है मैं नहीं पकड़ पाऊंगा तेरे को? फोस्टू भाई मैं गेट बंद कर दे रहा हूँ, आप सही में नहीं पकड़ पाओगे भाई. अच्छा, गेट बंद करने से कुछ भी नहीं होता है दोस्त. आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे, लास्ट कुछ सांसें बची है, जी लो अपनी जिंदगी की. वैसे भी इसके बाद तुम हमारे जैसा एक मॉन्स्टर बन के जियोगे और अपन दोनों वापस से फ्रेंड्स हो जाएंगे. अबे ये क्या किया भाई इसने, कंप्यूटर वंप्यूटर तोड़ दिया भाई. बॉस आएगा तो बहुत मारेगा गाइस, हम लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस शॉप के बच्चे का. फोस्टू भाई मेरा कुछ मत करो भाई, अपना कुछ करो, पहले अपने आप को यार ठीक करने की दवाई बनाओ भाई. अबे अगर इतना दिमाग होता तो मैं तेरे को क्यों पकड़ता? मैं चाहता हूँ कि तू और अपन दोनों मिलकर के यहाँ से निकले का रास्ता ढूंढे भाई. फोस्टू भाई मैं पहले बाहर जाता हूँ, मैं साइंटिस्ट लोग को बताऊंगा, उसके बाद आपकी मदद कर देंगे भाई वो लोग. अरे नहीं नहीं नहीं, तुम उल्लू बनाना चाहते हो मेरे को है? तुम भाई हम लोगों को उल्लू बना के निकल जाओगे और उसके बाद दुनिया को कुछ घंटा नहीं बताओगे, बस हम लोग यहाँ पर अपने मरते दम तक गाइस फंसे रह जाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं होगा, अपन लोग आज अपना बदला लेंगे. जो बदला भाई मेरे को 10 साल पहले, अबे वहाँ कहाँ चला गया ये भाई? यार मैं इसको एक जगह ढूंढता हूँ, ये दूसरी जगह निकलता है. आप देखो वहाँ गेट में घुस गया, अब मैं वहाँ जाऊंगा ना कहीं और ही निकल गया होगा. ऑलराइट, लेट्स होप कि भाई यहाँ से ना निकला हो. हेलो चौप. फोस्टू भाई अरे पकड़ लिया भाई आपने. बोला था ना बच नहीं पाओगे. फोस्टू भाई मैं तो आपकी मदद करना चाहता था, लेकिन आपको समझ में नहीं आया भाई, मेरे को मार दिया आपने. हमारा प्लान हो गया सक्सेसफुल, एंड चौप अब हमारे साथ हमेशा एक दोस्त बन के रहेगा दोस्तों. ऑलराइट गाइस, अब टाइम है यहाँ पर नेक्स्ट लेवल का, और इस बार चौप जो है वो बनेगा मॉन्स्टर्स एंड हम लोग बनेंगे एस्केपर्स. ठीक है, हम लोगों को एस्केप करना है, सो लेट्स गो. ऑलराइट सो गाइस, हियर वी आर. एंड हम लोग फिर से जमीन पर लेटे हुए हैं, रात हो चुकी है बहुत ज्यादा, दरवाजा खुला, और इस बार मुझे लगता है ये जो लिटिल मैन है इसी को पकड़ो. अरे अभी पकड़ लो भाई, ये बंदा बहुत काम का है, इसको भाई पकड़ लेंगे, एक्सपेरिमेंट इसी के ऊपर करेंगे. फोस्टू भाई मेरे को ले जा रहा है, बचा तो लो भाई, आपको तो पता है मेरे को ले जा रहा है भाई. अरे आई एम सॉरी दोस्त, जब मैं सोता हूँ ना भाई तो मेरे को कोई नहीं जगा पाता है भाई, ऐसा आप कुंभकर्ण वाली नींद सोते अपन लोग. ऑलराइट गाइस, हमारा दोस्त चला गया, योर फ्रेंड वाज आउट सिक टुडे. देख रहे हो स्कूल में भी मन नहीं लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अपन लोग यहाँ पर समर ब्रेक आ चुका है, बहुत महीने हो गए हमारे दोस्त को गायब हुए, और अब टाइम थोड़ा मस्ती करने का, और हम लोग
लोग पहुंच चुके हैं उसी साइंस एक्सपेरिमेंट करने वाले लैब में, जहां पर भाई पिछले बार चौप आया था हमारी तलाश में, लेकिन उसको हमारी तलाश में सिर्फ एक ही चीज मिली और वो है मौत। तो दोस्तों, क्या हम लोग अपनी जिंदगी पलट पाएंगे और चौप को यहाँ पर यार यू नो धोखा देके निकल पाएंगे? सो लेट्स गो, हमारे पास 15 सेकंड है, 15 सेकंड में से 5 सेकंड खत्म हो गए। ओ शिट, मेरे पास समय बहुत कम है। अब चौप किसी भी समय रिलीज होने वाला है गाइस, हियर वी गो। जब वो आए उसके पहले हम लोगों को कुछ ना कुछ करना है। ऑलराइट, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को ऑन करने के लिए हम लोगों को एक टेप रिकॉर्डर चाहिए, VCR, लेकिन आई डोंट थिंक अभी हम लोगों के पास गाइस ये सब ढूंढने का समय। इसके अंदर क्या है? ऑलराइट, इसके अंदर हम लोगों को एक फ्यूज बॉक्स लगानी है। ओके, तो ये OBS नाम का एक रूम है, इसमें भी अपन लोग जा सकते हैं। एंड इसी रूम में गाइस चौप ने मेरे को बहुत परेशान किया था। भाई मैं निकल चुका हूँ आपके भाई, आपका तलाश में निकल चुका हूँ, कहाँ पे हो भाई आप? अरे दोस्त, अपने इमोशन को कंट्रोल करो, मैं इतने आसानी से बता दूंगा तो फिर भाई बात क्या रही। ओके, तो गाइस हम लोग को एक रेड की मिली है और उसका तो काम नहीं है लेकिन इस टॉर्च का काम है। तो फटाफट इस ब्लो टॉर्च को मारते, इस गेट को खोलते, रेड की को हाथ में लेते। एंड गाइस यहाँ पर एक और गेट है, इस गेट पे भी हम लोगों को ब्लो टॉर्च की जरूरत है। और ब्लो टॉर्च तो भाई मैंने पीछे ही रख दिया यार, एक ही बार में बताया करो ना भाई, कितनी जगह जरूरत है तुम लोगों को। ओके, तो फटाफट से इस ब्लो टॉर्च को ले लेते। और गाइस आपको मैं बता दूं कि इस गेम को ना 4-5 लोगों को साथ में मिलकर कंप्लीट करना है, लेकिन अपन लोग अकेले कंप्लीट कर रहे हैं तो यहाँ पर चांसेस आर कि हम लोग कभी यहाँ से जिंदा बाहर निकल भी ना पाए, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि दिस इज डिजाइंड फॉर ओनली यू नो अ ग्रुप टू एस्केप। यार एक अकेला बंदा कैसे एस्केप कर जाएगा यहाँ पे से? ओके, तो गाइस ये कार्ड तो यहाँ पे नहीं काम कर रही है, दैट मींस कि इट इज यूजलेस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इसको फेंक देंगे। आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ वे कि हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकले। गाइस कोई ना कोई तरीका तो होगा जो हम लोग को यहाँ से बाहर लेकर के जाएगा। एंड यहाँ पे क्या है? ओके, मेरे को एक नया गेट मिला। ऑल राइट, इट्स नाइस। ओ ये क्या है भाई? ओ मेरे को ये मिल गया गाइस, VCR मिल गया अपने को भाई। लाल रूम है, ये फोटो रूम है, यहाँ पे फोटोज खींचे जाते हैं, उनको ना लोग प्रिंट करते हैं। लेकिन गाइस अभी इन सब का बकवास करने का टाइम नहीं है, ये मेरे को याद है इसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है। अबे यार ये गेट लॉक है भाई, यार तुम लोग इतनी सारी गेट्स क्यों लॉक करते हो? ओके, मेरे को एक ब्लू कार्ड भी चाहिए गाइस। तो अगर अपन लोग ऊपर जाएंगे तो हम लोग याद रखेंगे कि हम लोगों ने रेड कार्ड कहाँ फेंका है और ब्लू कार्ड हमें एक्चुअली कहाँ से लेना है। ओके, तो गाइस हम लोग आ चुके हैं ऊपर। एंड ओ शिट, चौप ऊपर ही ढूंढ रहा था तब से। तो भाई मेरे को आप मिले ही नहीं भाई, मैं इतना ढूंढा। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको इधर भी तलाश लूंगा भाई, ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। जब तक तुम पकड़ोगे तब तक बहुत लेट हो जाएगा दोस्त। ऑलराइट, तो गाइस यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड डाल रहा है 1040। ओके, तो पासवर्ड है 1040। एंड इस पासवर्ड को कहाँ पे डालना है? I have no idea. ओके, चलो भाई अब वो वक्त ही बताएगा कहाँ डालना है। अभी के लिए हम लोगों के हाथ में हथौड़ी आ चुकी है, वो इस हथौड़ी से अपन लोग इसको तोड़ सकते हैं। व्हाट इज दिस? ये क्या है? फ्लैश कैनन, इससे क्या होता है? बूम! अरे एक सेकंड, ओ भाई ये क्या है? अरे इससे मैं चौप को अंधा कर सकता था यार, मैंने गाइस यहाँ पे अपना समय बर्बाद कर दिया। अरे ऐसा क्यों होता है मेरे साथ भाई? डैम इट, क्या करूं? इसको तो रिचार्ज होने में समय लगता है। अरे नहीं 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 भाई, चौप रुक जाए यार। फर्स्ट भाई अब आपने गलती कर दी, अब आप फंसोगे भाई। अरे ऐसे कैसे फंस जाएंगे दोस्त, तुमने क्या समझ कर रखा? मछली है क्या जो तुम्हारे जाल में फंस जाएंगे? रुको भाई, कोई ना कोई तरीका होगा अपनी गलती को यहाँ पे सुधारने का। इस रूम में कुछ है क्या? कम ऑन, समथिंग, जस्ट एनीथिंग विल वर्क एट दिस पॉइंट। यार हम लोगों को कोई ना कोई यार अपना एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे से उठाना होगा भाई, जिसको हम लोग नीचे यूज कर पाए, बिकॉज उस पासवर्ड का तो आई डोंट थिंक सो कहीं यूज होने वाला है। गाइस देखो चौप भी एकदम मक्खी के जैसा मंडरा रहा है। वी विल हैव टू वेट भाई, जैसे ही यहाँ से निकलेगा तभी अपन लोग जाएंगे। ओके, ग्रीन कार्ड यहाँ पर चाहिए भाई। ना ग्रीन मिल रही है, ना ब्लू मिल रही है, ना रेड मिल रही है, बकवास कर लो तुम लोग दुनिया जहान की। एक भी कार्ड नहीं छुपाई है यार इन लोगों ने। गाइस आपको कहीं पे कुछ भी दिखाई दे रहा है क्या? मेरे को तो यहाँ पे यार सब कुछ अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो भाई मेरे को लगता है कार्ड जो है भाई ऊपर नीचे कहीं तो छुपी होंगी। अबे इतना जनरल नॉलेज तो भाई मेरे को भी पता है, तेरे को मदद करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ लूंगा ब्रो। ओके, तो गाइस हर जगह मैंने ढूंढ लिया, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। सो लेट्स गो डाउन। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आई थिंक जो रेड कार्ड है ना उसका अपन लोग इस्तेमाल ऊपर वाले फ्लोर पे कर सकते हैं, बट भाई उसके लिए हम लोगों को पहले अपने रेड कार्ड को ढूंढना होगा। ये वाला गेट भी इन लोगों ने लॉक कर दिया है भाई, कैसे लोगे ये? ऑलराइट, सो गाइस हम लोगों को अपना रेड कार्ड मिल चुका है एंड इट्स टाइम टू गो। अरे यार ये वाला दरवाजा कभी काम नहीं करता, मैं इस दरवाजा को क्यों यूज करता? ओ शिट, चौप आ गया। निकलो। अबे चौप के कुछ चमचे इधर भी घूम रहे हैं भाई। जब तक चौप हम लोगों पे अटैक नहीं करेगा ना गाइस, ये भी अटैक नहीं करने वाले हैं। सो वी आर सेफ, बट ज्यादा देर तक नहीं रह सकते गाइस, वी नीड टू फाइंड अ वे आउट। ठीक है, वो जो रेड वाला गेट है, आई हैव सीन इट हियर। यार मैं कितना स्टूपिड हूं भाई, कितना जल्दी सॉल्व हो जाता, बट वी वर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम। ऑलराइट, ओ ग्रीन कार्ड भी मिल गया, व्हाट द हेल भाई, सारे कार्ड यहीं पे थे यार। ओके, तो गाइस इसको क्लिक करने से क्या होता है? आई हैव नो आइडिया, ये तो काम भी नहीं कर रहा है। डैम इट ये स्टूपिड कंप्यूटर। ओके, ग्रीन कार्ड मेरे को पता है कहां पे लगता है गाइस, बट मेरे को याद करना पड़ेगा कहां लगता है ग्रीन कार्ड। भाई इतनी सारी जगह थी, कहां पर लगेगा? ऑलराइट गाइस, काफी ढूंढने के बाद हम लोगों को ग्रीन कार्ड वाला दरवाजा मिल गया है, जिसके अंदर ब्लू कार्ड है। वाह भाई, मतलब जिसको ढूंढा गली गली वो हम लोगों के पास ही मिली, व्हाट द हेल। मेरे को यार ये ब्लू वाली कार्ड पहले मिलनी चाहिए थी यार। चलो भाई, ब्लू वाला गेट पे चलने का है बिरो, अभी अपने पास टाइम नहीं, वेस्ट करने का टाइम है गाइस। चलो जल्दी चलो। इधर तो गेट नहीं था, ठीक है, इधर तो कोई गेट नहीं था। अबे किधर गेट था जिसपे लगता है ये ब्लू कार्ड? भाई यार जब ढूंढने आया हो तो मिल ही नहीं रहा। हाँ ये रहा, इसको खोलो। अबे चौप के चमचे आ रहे हैं यार उधर से।
भाई चौप यार, तू परेशान करना बंद करेगा भाई, मेरे पास 2 मिनट से भी कम समय है। ओके ओके ओके, इधर इधर क्या है, क्या है, क्या इधर कुछ तो है। अरे यार ये पासवर्ड मांग रहा है, शिट पासवर्ड क्या था गाइज, आई फॉरगॉट, ओ नो मेरे को पासवर्ड याद नहीं है, डैम इट यहाँ पे कुछ होता है। अच्छा यहाँ पे मैं छोटा हो जाऊंगा क्या, अभी मेरे को छोटा नहीं होना है भाई, मेरे को एस्केप रूट ढूंढना है भाई। इस वाले गेट को इन लोगों ने लॉक कर दिया है गाइज, देख रहे हो, मतलब यार हर तरफ से हमारा निकलने का चांसेस कम पे कम होते जा रहे हैं गाइज। ऑलराइट गाइज, मेरे को यहाँ पे ये फ्यूज मिला है, इससे अपन लोग कुछ ट्राई करते हैं, वैसे भी सिर्फ 40 सेकंड बचे और चौप के चमचे भी यही घूम रहे। चौप यहाँ पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके बंदे मेरे को दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट गेट खुल गया, अरे ये नूबड़ा गेट भाई, ये बस यही तक ले जाता है। डैम इट गाइज, आई थिंक वी आर डन, ठीक है। अब ऐसे भी भाई 20 सेकंड में कुछ नहीं होने वाला, मैंने पूरी कोशिश की दोस्तों, लेकिन इस जगह से अकेले निकल पाना इम्पॉसिबल है भाई, इतने चीटिंग करते हैं लोग भाई। डैम इट। ऑलराइट गाइज, आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको मजा आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई के चैनल पे यार, मतलब मेरे चैनल पे, भाई के चैनल मतलब कोई और चैनल नहीं है मेरे भाई का। एंड या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फ्रॉस्टी।